अयोध्या बेतहाशा सब्जियों की महंगाई पर सपा का अनोखा विरोध। ग्रामीणों के साथ समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पंडित समरजीत ने सब्जी राजा की आरती उतार कर जताया विरोध। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के वासुदेवपुर चौराहे पर ग्रामीणों के साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सोया मेथी, पालक और गाजर की बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर आरती करते हुए दिव्यांग पंडित समरजीत ने कहा, भाजपा सरकार सत्ता में आते ही महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज सब्जियों के साथ साथ खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। शादी विवाह का सीजन चल रहा है और आज इस मौके पर सब्जियों के दाम आसमान छू रही है। बेटियों की शादियों में आधा खर्चा सब्जियों की महंगाई ले रही है, जिससे हमारे गरीब भाई कंगाली की कगार पर पहुँच चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार तथा किसानों को फसलों का उचित मूल्य आदि विषयों पर सरकार मौन हो जाती है और तरह तरह के मुंगेरीलाल के सपने दिखाकर देश की जनता को लूटने का काम आज भाजपा सरकार कर रही है। बेतहाशा महंगाई की चक्की में पिस रही यही हमारे देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। कार्यक्रम में अनिरुद्ध सिंह, पवन यादव, जोकू राम वर्मा, राजित राम कोरी, विपिन मौर्य, संतोष कुमार, बद्री प्रसाद, लालजी शर्मा, ब्रिजलाल कनौजिया, सत्यम राय आदि। आज भाजपा सरकार में सब्जियों की इतनी मूल्य वृद्धि हो गई है कि हमारे तमाम भाई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ आज वो इतने विवश हो गए कि हमको आज सब्जी की दुकान पे विरोध में आरती लेके बैठना पड़ा और आज हमने सब्जी राजा की आरती किया। और आज यह भी हम बताना चाहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिन बेटियों की आज शादियां पड़ रही हैं, आधा खर्च केवल वो सब्जी खरीदने में कर रहे हैं। हर चीज 50-60-70 के नीचे कोई सब्जी है ही नहीं। बताइए आम जनता या गरीब कैसे अपना भोजन करे या बच्चों की शादी विवाह में खर्चा करे। हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि 2024 के पहले इतना मत लूटिए, वरना यही 2024 में हमारे उत्तर प्रदेश की देश की जनता आपको पूरे भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।